सो हे गाइस, मैं हूँ टेक डिफाइनर और आप देख रहे हो टेक टॉक्स इंडिया। सो गाइस, करंटली अभी सारी दुनिया के लोग वायरलेस ईयरफोन, वायरलेस ईयरबड वगैरह की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गाइस मैंने अपने लिए यहाँ पर अमेजोन से एक वायर्ड ईयरफोन को परचेज करके मंगवाया है, जो कि JBL का एक वायर्ड ईयरफोन है। एंड मैंने इसको क्यों मंगवाया है, किस लिए मंगवाया है, मैं इस वायर्ड ईयरफोन का क्या करूँगा, आज की इस वाली वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा गाइस डिटेल में। एंड इन सारी चीज़ों को जानने से पहले सबसे पहले इस ईयरफोन के अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड देखते हैं कि इसके बॉक्स कंटेंट में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी पैकिंग देखिए गाइस, काफी यूनिक सी पैकिंग में आता है ये। एंड इस पर आप देखोगे अमेजोन का कोई बॉक्स वगैरह नहीं है, ये यहाँ पर केवल और केवल हेडफोन का जो ओरिजिनल बॉक्स है उसी में आता है। एंड बस यहाँ पर पॉलिथीन से एक रैपिंग की गई है एंड साथ में अमेजोन के कुछ टैग्स वगैरह यहाँ पर चिपकाए गए हैं। तो चलिए गाइस अभी इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं एंड फिर मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो ये है गाइस हमारी हेडफोन का कुछ बॉक्स जो कि आपने देख लिया है। तो सिंपल इसमें एक पॉलिथीन आया है एंड इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से छुटा के बाहर निकाल देंगे एंड काफ़ी हार्ड टेप लगा हुआ है, फाड़ना ही पड़ेगा भाई। चलो तो ये है गाइस हमारे हेडफोन जो कि हैं JBL के C100SI इन ईयर हेडफोन्स, जो कि वाइड वाले हेडफोन हैं आप देख सकते हो। एंड ये रहा इसका बॉक्स। एंड अगर बॉक्स के ओवरव्यू की आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर सामने की तरफ JBL का बड़ा सा लोगो एंड यहाँ पर इसका मॉडल नेम लिखा हुआ है। एंड बॉक्स के लेफ्ट साइड में इसकी कुछ मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है एंड बैक साइड में इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि इसको आप कहाँ कहाँ पेयर कर सकते हो एंड साथ में इसका प्राइस वगैरह भी लिखा हुआ है। एंड राइट साइड में इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बता रखा है। एंड हाँ, टॉप साइड पर आप देखोगे यहाँ पर इसका मॉडल नेम कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट होके आया है आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर JBL भी लिखा हुआ है एंड अगर आप इसको टच करोगे तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर फील होता है। तो चलिए, सील वगैरह तो ऐसी कोई नहीं है इसमें, उसको ओपन करते हैं डायरेक्ट। ओके, सील है गाइस यहाँ पे, देखिए ये रही सील इसकी, हमने देखी नहीं, ये है इसकी सील। ओके, तो चलिए इसको निकालते हैं, इसके बॉक्स कंटेंट देखते हैं फिर इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से है ये एंड ये बाहर आ गई गाइस हमारी हेडफोन। तो सबसे पहले गाइस हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप देखने को मिलते हैं जो कि आप अपने कान के साइज़ के हिसाब से यहाँ पे चूज़ करके लगा सकते हो। एंड नीचे की तरफ कुछ यहाँ पे निकल रहा था तो वो यहाँ पर इसका पेपर वर्क रहने वाला है। एंड ये सबसे पहले हमें इसमें देखने को मिलता है, चाइना में लिखा हुआ है यार, तो इसको क्या ही पढ़ूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसका कुछ ये क्विक स्टार्ट गाइड होगा जो कि यहाँ पर हारमन ब्रांडेड है। एंड अगेन यहाँ पर एक हारमन ब्रांडेड यहाँ पर ये वारंटी कार्ड वगैरह होगा कुछ इसका। चलो इनको सबको साइड में रखते हैं भाई एंड अपने हेडफोन्स पे आते हैं। एंड ये गाइस हमारी हेडफोन जो कि यहाँ पर कुछ स्टेप से पैक होके आई है, इसको बाहर निकालते हैं। ओके, तो सॉलिड तो है गाइस, काफ़ी बढ़िया तरीके से पैक होके आई थी एंड मैंने इसको काफ़ी दम लगा के खींचा है क्योंकि अभी पता लग जाएगा ना अभी तार वार खिंचने वाली है या फिर नहीं है। एंड फर्स्ट एपिसोड में गाइस मेरे को जो बिल्ड यहाँ पर दिखाई दे रही है काफ़ी बढ़िया लग रही है एंड स्ट्रॉन्ग भी लग रही है। इसके आप मतलब थिकनेस पे मत जाओ कि वायर इतना पतला है, वायर पतला है ज़रूर बट वायर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है गाइस। एंड यहाँ पर ये कुछ स्टिकर वगैरह लगकर है, यहाँ पर लिखा हुआ है JBL वायर्ड हेडसेट एंड कुछ चाइना में लिखा हुआ है यार। तो चलो गाइस अब इसको खोल लेते हैं फटाफट से एंड फिर इसकी वायर की लेंथ आपको दिखाता हूँ कि लेंथ कितनी है। तो ये है गाइस इसकी पूरी लेंथ, काफ़ी बड़ा है यार वायर, अच्छा है, इनफ है। ये देखो अराउंड यहाँ पर 2 फीट हो गया इतने पर एंड ये 1 फिट ये मान लो अराउंड। तो बड़े आराम से गाइस जो पूरी लेंथ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, अब आपको दिख रही होगी ये यहाँ पे 4 फेरे हो चुके हैं इतने इतने बड़े। तो 3 फिट से तो ज़्यादा है गाइस एंड अगर 3 फिट से ज़्यादा है तो बड़े आराम से पूरा 1 मीटर भी होना चाहिए। तो 1 मीटर का है पूरा लेंथ एंड यहाँ पर वायर को यहाँ पर छोटा बड़ा करने के लिए कुछ इस तरीके का एडजस्टर भी दिया हुआ है जिससे कि आप दोनों जो पेयर ऑफ हेडफोन्स हैं उनको कितना दूरी पे आप सेट कर सकते हो, तो वो भी यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है एक। एंड अगर बात करते हैं इसके कनेक्टर की तो इसके कनेक्टर पर भी यहाँ पर JBL की ब्रांडिंग हमें देखने को मिल रही है एंड ये यहाँ पर गोल्ड की प्लेटिंग में फिलहाल आया हुआ है। एंड इसके अलावा इसका ये जो कंट्रोलर है छोटा सा, इस पर भी आप देख सकते हो JBL की ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाती है। एंड इसके इस साइड में एक बटन हमें देखने को मिलता है जिससे आप म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हो एंड कॉल को रिसीव भी कर सकते हो एंड कट कर सकते हो। एंड एक हमें यहाँ पर माइक्रोफोन देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा अगर बात करते हैं गाइस स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स पर भी हमें JBL की ब्रांडिंग देखने को मिलती है एंड कुछ इस टाइप के शेप में यहाँ पर राउंड शेप में आते हैं, गोल गोल स्पीकर हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड JBL की जो ब्रांडिंग यहाँ पर दे रखी है वाइट कलर से, सिल्वर कलर से, काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो इन सबको हटाओ एंड अभी म्यूज़िक सुनते हैं इस पर कि म्यूज़िक की क्वालिटी कैसी है भाई। ले तो लिए
तो फटाफट से अपना आईफोन लेकर आते हैं। ओके एंड ये लगाया हमने अपना अडेप्टर एंड ये रहा इसका जैक, तो भैया इसको लगा लेते हैं। एंड हेडफोन गाइज हमने लगा ली एंड कोई बढ़िया सा सॉन्ग लगा लेते हैं गाइज जल्दी से। गाइज सच में जो साउंड की क्वालिटी है ना बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। एंड इससे पहले मेरे पास सैमसंग का ईयरफोन था वायर्ड वाला, वही मैं यूज़ कर रहा था। एंड उसका आप देख सकते हो, ये मेरे पास वहीं पड़ा भी है, ये रहा इसका एक स्पीकर टूट गया मेरे से गलती से, तो उसमें आवाज़ आना बंद हो गई थी तो मैंने कट कर लिया। तो अब कट करने से काम तो नहीं चलता ना, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया है। साउंड क्वालिटी का सच में बहुत अच्छी है, बेस वगैरह बहुत बढ़िया है, वोकल्स में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड जो मिड्स एंड लोज हैं बहुत अच्छे हैं, एक एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है। एंड और देखते हैं कोई गाना बजा के। गाइज इस सॉन्ग में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रही है, कोई थोड़ा और बेसी सॉन्ग लगाते हैं। सच में गाइज बहुत 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 अच्छी बेस है एंड म्यूज़िक की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी एकदम ऑन पॉइंट है, बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है गाइज। आप देख सकते हो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये लगी हुई है एंड मैं सॉन्ग यहाँ पर सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है गाइज। एंड 100% वॉल्यूम करने के बावजूद भी जो वोकल्स है या फिर बेस है वो कानों में चुभ नहीं रही है, ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है एंड यही चीज़ मेरे को चाहिए थी हमेशा से। एंड इसीलिए मैं इससे पहले सैमसंग वाली ईयरफोन यूज़ कर रहा था एंड काफ़ी चेक करने के बाद में मैंने ये अपना जो JBL का हेडफोन है C100SI इसको परचेस किया है, तो क्वालिटी का बहुत अच्छी है। एंड अभी फ़िलहाल मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे पैसे यहाँ पर 101% यहाँ पे वसूल हो गए हैं। तो हेडफोन गाइस बहुत अच्छी है, आप इसको परचेस कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड इसके गाइस काफ़ी सारे यूज़ हैं, मैं इसको अभी फ़िलहाल तो सॉन्ग सुनने के लिए ले रहा हूँ एंड फिलहाल एडिटिंग वगैरह के लिए भी ले रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो मेरे को वाइड ईयरफोन लगाना ही पसंद है, इसीलिए मैंने इसको परचेस किया है। बाकी मैं इस पर BGMI वगैरह भी खेलूँगा, क्योंकि BGMI खेलता हूँ तो कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो मेरे पास हेडफोन है गेमिंग हेडफोन, कभी कभी होता है ना कि अगर हेडफोन नहीं लगाना है तो ईयरफोन से खेलने के लिए कोई एक अच्छा ईयरफोन होना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए मैंने इसको परचेस किया है। बाकी काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ट्रैवल में कहीं भी। एंड बिल्ड क्वालिटी गाइस काफ़ी बढ़िया है, मैं पहले सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वायर काफ़ी पतले हैं तो ऐसा हो कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो, नहीं बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी बढ़िया ईयरफोन है गाइस। एंड मैंने इसको अमेजोन से केबल और केबल 700 रुपये में परचेस किया है, 700 भी नहीं गाइस, मैंने इसको 600 रुपये में परचेस किया है, शायद से मेरे को याद आ रहा है, हाँ 600 रुपये में परचेस किया है। एंड इन वाले ईयरफोन का जो बेस्ट बाय लिंक होगा मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इनको परचेस कर लेना। तो गाइस इतना ही था आज किस वाली वीडियो में एंड आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना गाइस, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट एंड टेक केयर।